अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 9th की फर्स्ट यूनिट की ये थर्ड एक्सरसाइज है। प्रीवियस वीडियोस में हम पहली दोनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट पार्ट्स के साथ सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ने वो वीडियोस मिस की हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप लाजमी तौर पर देखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा यूनिट या एक्सरसाइज है जो आप चाहते हैं मैं पहले सॉल्व करवा दूँ आपको, तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पहले वही यूनिट क्लियर कर लूँगी। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, इस चीज़ का मतलब सबसे पहले समझते हैं, दो मैट्रिसेस किस वक्त कन्फर्मेबल होंगे ऐड करने के लिए। कन्फर्मेबल का मतलब है कोई से दो मैट्रिसेस किस वक्त हम ऐड करवा सकते हैं, यानी कि दो मैट्रिसेस को जमा करवाने का क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, ए में वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, बी में वैल्यूज़ हैं 1, 2, 5 एंड 6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने अगर ये बताना हो कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं या नहीं, तो सिंपली हम इनका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। टू रोज़ हैं इस वजह से हम लिखेंगे 2, एंड 2 ही कॉलम्स हैं इसलिए लिखेंगे 2 बाय 2। इसी तरह बी का भी हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, बी का ऑर्डर भी निकल आएगा 2 बाय 2। दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल उस वक्त होते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल आ जाए। अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल हो, मतलब कि 2 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे में जमा करवाए जा सकते हैं। और अगर इनका ऑर्डर सेम ना हो तो फिर ये दोनों एक दूसरे में जमा नहीं करवाए जा सकते। अब अपने क्वेश्चन के पार्ट्स को देखते हैं जो हमें बुक में दिए गए हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने तमाम पार्ट्स को उनके ऑर्डर के साथ यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहले है ए, हमारे पास ए में दो ही रोज़ हैं, दो ही कॉलम्स, इस वजह से 2 बाय 2। फिर दो रोज़ और एक कॉलम है, इस वजह से 2 बाय 1, देन 3 बाय 2। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 2 बाय 1, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और एक कॉलम था। उसके बाद 2 बाय 2 एंड देन 3 बाय 2, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। अब कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कौन कौन से मैट्रिसेस होंगे, जिनका ऑर्डर एक जैसा होगा। अब ए का ऑर्डर है 2 बाय 2 और किसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, ई का। सो हम लिख लेते हैं ए एंड ई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है बी, हमारे पास 2 बाय 1 पर, तो डी में भी है 2 बाय 1, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बी एंड डी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी, सी में है 3 बाय 2 और एफ में भी 3 बाय 2 है, सो हम लिख लेते हैं सी एंड एफ। ठीक है, ए एंड डी, बी एंड डी, सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हम क्या लिखेंगे, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज, आगे रीजन भी बताएंगे ना कि क्यों ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि उन्होंने कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला है कि तमाम मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। अब एडिटिव इनवर्स का बेसिक मतलब यह है कि एक ऐसी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 लिखा हो, तो इसका 2 का एडिटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू होगा कि जिसको अगर मैं इसमें ऐड करवा दूँ तो आंसर आए 0। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप सोचिए कि 2 में ऐसी क्या वैल्यू मैं जमा करवाऊँ कि आंसर 0 के इक्वल आए। सो हम जानते हैं कि अगर 2 में -2 को ऐड करवा दिया जाए तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि एक वैल्यू के ऑपोजिट साइंस को उसमें ऐड करवा देने से आंसर 0 आएगा। सिंपली अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो जितनी भी वैल्यूज प्लस में हैं उनको हम माइनस में लिख देंगे और जो वैल्यूज माइनस में हैं उनको हम प्लस में लिख देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए। अब माइनस का साइन जोन से है, हम अंदर तमाम तर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2, 4, -2 एंड 1। ये पहला क्वेश्चन है, इस वजह से मैं काफ़ी डिटेल में आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे वो मैं इतनी डिटेल में नहीं करूंगी, ये वाला स्टेप मैं स्किप करूंगी।
तो आपने उस स्टेप का खास ख्याल रखना है, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चंस आपको तब तक 2 मार्क्स नहीं मिलते जब एटलीस्ट उसके 2 स्टेप्स आप नहीं करते जब तक। इसीलिए ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट्स में नहीं करूँगी। आपने याद रखना है, सबसे पहले माइनस ए देन मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 2 एंड देन माइनस 1। ये आ गया हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। उसके बाद हम निकाल लेते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। सिंपली क्या करेंगे, जो वैल्यूज प्लस में हैं उनको माइनस में लिख देंगे, जो माइनस में हैं उनको प्लस में लिख देंगे। इसी तरह माइनस 2 माइनस 1 बन गया प्लस 1, प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 2 एंड 1 बन गया माइनस 1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। सी का एडिटिव इन्वर्स निकलेगा, 4 बदल जाएगा माइनस 4 में, माइनस 2 बदल जाएगा प्लस 2 में। नेक्स्ट है हमारे पास डी का एडिटिव इन्वर्स, जो कि निकलेगा माइनस डी की सूरत में, 1 बदल गया माइनस 1 में, 0 एज इट इज़। उसके बाद 3 माइनस 3 बदल गया 3 में, माइनस 2 2 में, 2 बदल गया माइनस 2 में और 1 बदल गया माइनस 1 में। ये आ गया हमारे पास डी का एडिटिव इन्वर्स। अब निकालते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स के लिए। इन दोनों पार्ट्स के लिए भी सेम उसी तरह करेंगे। ई का सबसे पहले माइनस ही निकाल लेते हैं, जो वैल्यूज प्लस में हैं उनको माइनस में लिख लेते हैं और जो माइनस में हैं उनको प्लस में। अगर एफ की बात की जाए तो एफ का एडिटिव इन्वर्स भी सेम उसी तरह निकलेगा, स्क्वेयर रूट माइनस स्क्वेयर रूट 3 बदल जाएगा माइनस स्क्वेयर रूट 3 में, 1 बदल जाएगा माइनस 1 में, माइनस 1 1 में एंड स्क्वेयर रूट 2 माइनस स्क्वेयर रूट 2 में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बेसिकली 4 मैट्रिसेस की वैल्यूज़ दी गई हैं और साथ ही साथ टोटल 9 पार्ट्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले देखते हैं अपना पहला पार्ट। पहले पार्ट में उन्होंने हमें दिया है ए प्लस नेक्स्ट 1 1 1 1, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ए की वैल्यू है माइनस 1 2 2 एंड 1। ठीक हो गया, ए की जगह पे उसकी वैल्यूज लिखी। नेक्स्ट हम लगाएंगे प्लस का साइन, प्लस का सिंबल उन्होंने हमें दिया था। नेक्स्ट लिखेंगे 1 1 1 एंड 1। सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करवाना है, हमें ऐड करवाना है। किस तरह से, माइनस 1 प्लस 1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, उसके बाद 2 प्लस 1, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, उसके बाद 2 प्लस 1। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते जाएंगे दोनों मैट्रिसेस की, फिर 1 प्लस 1। चारों वैल्यूज़ को हमने जब आपस में ऐड करवा लिया तो अब सिंपली इनको क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 दोनों कट के हो जाएगा 0, 2 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 आंसर इज 3 एंड 1 प्लस 1 आंसर इज 2। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया दूसरा, जो कि है बी। प्लस माइनस 2 एंड 3। अब B का मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में इसकी भी वैल्यू दी गई है, B की जगह B की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1 एंड माइनस 1। नेक्स्ट प्लस का सिंबल जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस पार्ट में, और उसके बाद माइनस 2 एंड 3, सेम टू सेम ऊपर वाला लिख लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, दोनों को क्या करवाएंगे, ऐड। किस तरह से, 1 प्लस, जब भी माइनस की वैल्यू आती है हमेशा ब्रैकेट्स यूज़ किया करें, क्योंकि माइनस की वजह से साइंस हमेशा रिवर्स होते हैं। उसके बाद माइनस 1 प्लस 3। अब सिंपली दोनों को क्या करवाना है, दोनों को हमें करवाना है ऐड। सो 1 प्लस माइनस माइनस 2 एंड माइनस 1 प्लस 3, जब माइनस 1 और प्लस 3 होगा तो आंसर आ जाएगा 2। बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस का सिंबल था, इस वजह से हमारे आंसर में भी प्लस का सिंबल आया है। नेक्स्ट 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 2। माइनस 1 इस वजह से क्योंकि 2 के साथ हमारे पास माइनस था और 2 दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू थी। नेक्स्ट अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जिसमें सी को ऐड करवाना है हमें एक मैट्रिक्स के अंदर। सी की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दी गई है हम सिंपली वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दी गई है सी की वैल्यू 1 माइनस 1 एंड 2। उसके बाद लिखेंगे प्लस और सिंपली ऊपर से सेम यही वाली वैल्यू उतार लेंगे, माइनस 2 1 एंड 3। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम ऐड करवाएंगे, मतलब कि पहली वैल्यू को पहली में 1 प्लस माइनस 2। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस वाली वैल्यू आए हमेशा ब्रैकेट यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, उसके बाद 2 प्लस 3। सो हमने लिख लिया 2 प्लस 3।
3। अब सिंपली क्या करना है, इन लोगों को हमें इन सारी वैल्यूज़ को हमें ऐड करवा देना है। हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस -2, -1 प्लस 1 दोनों कट गए 0, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 0 5। आंसर आ गया है हमारे पास -1 0 एंड 5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। डी की जगह डी की वैल्यू लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है। डी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। ऊपर से सेम ऊपर वाला मैट्रिक्स उतार लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया था उन्होंने, मतलब के 0 1 0 2 0 1। दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करवाना है किस तरह से, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 0 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस 1। बहुत सिंपल सा मेथड है दोनों मैट्रिसेस को ऐड करवाने का। 1 प्लस 0 आंसर इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 0 3, -1 प्लस 0 -1, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 1 आंसर इज 3। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उन सब में मैट्रिसेस को ऐड करवाया जा रहा था, अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। मतलब कि उन्होंने एक हमें कांस्टेंट वैल्यू दी है 2 के तौर पर और बोला है कि इसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ए की जगह पे ए की वैल्यूज़ लिखेंगे -1 2 2 एंड 1। उसके बाद सिंपली 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस टाइम पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अभी पहला क्वेश्चन है जैसे मैं काफ़ी डिटेल में करवाऊंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हर एक वैल्यू के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, 2 माइनस 1 आर -2, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। ये हो गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। इसमें भी सेम टू सेम वही मेथड है। -1 मैंने आपको बताया था, जिस टाइम पर भी आपके पास माइनस की वैल्यू आती है हमेशा ब्रैकेट्स यूज़ करें। इसी तरह से हमने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास बी। बी की वैल्यू क्या थी, 1 एंड -1। बी की वैल्यू क्या है, 1 एंड -1। अब सिंपली हमें क्या करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। किस तरह से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1। क्योंकि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए ब्रेसेस ना भी लगाई जाएं तो कोई इशू नहीं होगा। जब प्लस या माइनस आप करें उस टाइम पर ब्रैकेट्स लाजमी तौर पर लगाया करें। -1 1s are -1 एंड -1 प्लस हो जाएगा और 1 1s are 1। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, बट इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि साइंस किस तरह से चेंज होते हैं। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, जब आप प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। इसी तरह से प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करवाओगे तब भी आंसर प्लस की सूरत में ही आएगा। मतलब कि दो डिफरेंट सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर दो सेम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास -2 एक वैल्यू दी गई है जिसे हमें मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ। -2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सी से। सी का मैट्रिक्स लिखेंगे -2 के बिल्कुल सामने। मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 -1 एंड 2। अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड देन -2 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 1s are -2, -+ एंड 2 1s are 2, देन -2 2s are -4। अगला क्वेश्चन है 3D। 3 की तो एज इट इज़ लिख लेंगे हम, और D की जगह D की वैल्यू लिखेंगे। D की वैल्यू है 1 2 3, -1 0 एंड 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 -1s are -3, 3 0s are 0 एंड 3 2s are 6। ये हो गया आंसर हमारा पार्ट नंबर 8 का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें 3C दिया गया है। 3 तो एज इट इज़ लिखेंगे हमेशा की तरह, सी की जगह सी की वैल्यूज़ लिख लें। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2।
दोनों दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 -1s are -3 एंड 3 2s are 6। ये हो गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 9 का, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली हो गया ख़त्म। हमने तीनों पार्ट्स किए और तीनों पार्ट्स के तमाम तीनों क्वेश्चंस किए और तीनों क्वेश्चंस के तमाम तर पार्ट्स किए हैं। आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और जिस हद तक हो सकेगा सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।